बताइए कि आपका नाम क्या है और आप बॉयकॉट का ये उमर का बैनर लेके क्यों खड़े? देखिए, मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और उमर रियाज ने अभी काफ़ी इलीगल काम किया है जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले रहा हूँ। बिकॉज जो बिग बॉस के अंदर उनको मैंने कपड़े प्रोवाइड कराए थे एक डिज़ाइनर्स के थ्रू, और वो डिज़ाइनर जितने भी हैं, दो तीन डिज़ाइनर्स हैं, उनको उसने प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, इसलिए मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन कर दी है, जी कंप्लेन कॉपी आपको अभी दिखाई थी, और हम लोग अभी मुंबई कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं कंप्लेन लेके। सो जो भी किया है हमने पूरा लीगल वे में किया है और उमर रियाज को इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके, सो किस तरह के कपड़े थे और कौन से फैशन डिज़ाइनर थे उन्होंने हायर किए थे? मैमल एक बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनको सॉरी ये काट देना भाई, इंटीरियर डिज़ाइन निकल गया मेरे से, कट जाएगा ना वो भाई। श्रेयस दो मिनट रुको, तो भाई दो मिनट बोलिए। मैमल करके एक ब्रांड है जो डिज़ाइनर ब्रांड है, और उमर रियाज को जो बिग बॉस हाउस में कपड़े प्रोवाइड कराए थे वो फैज़ान अंसारी ने कराए थे, और फैज़ान अंसारी था जिसकी वजह से उनको अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ मिल पाए, बट उन्होंने उसका पूरा मिसयूज़ किया। और मैं पूरे इंडिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारा उन्होंने इलीगल काम किया है, प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, और कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जाए या इरिटेशन में आ जाए। ओके, सो टैगिंग की बात करूँ तो कहाँ पे उन्होंने टैग किया है फोटोज, और किसको टैग किया, और आपको कौन से में उन्होंने इंस्टाग्राम पे टैगिंग करी है, बट प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, और अपने अपने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने किसी को नीचे इंसल्ट किया है। जो मेरी फ्रेंड डिज़ाइनर है, वेल नोन डिज़ाइनर है, वक्त आने पर उनका नाम मैं कोर्ट में भी लूँगा। सो उनको काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी इंसल्ट फील हुआ, इसीलिए आज मैं सबके सामने आया हूँ। ओके, सो कपड़े आपको कब मिले और कपड़े आपने कब प्रोवाइड किए थे? अक्टूबर में मैंने उमर रियाज को कपड़े बिग बॉस हाउस में पहुंचाए थे, और उन्होंने उसको जैसा भी कमिटमेंट था बिल्कुल पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुझे बाहर आना।